बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना ने चुनावों में ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। जी हाँ, बंगाल चुनाव जो कि बड़ा ही रोमांचक अब मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, चुनावी मुकाबला, जो कि अब शिवसेना ने बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात कही। शिवसेना बंगाल में हालांकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन समर्थन पूरा पूरा रहेगा, ये बात कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने हैं जिससे ये बात समझी जा सकती है। और शिवसेना ने ममता बनर्जी को बताया है रियल बंगाल टाइगर, यानी कि एक शेरनी की तुलना की है, बंगाल की शेरनी है ममता बनर्जी, ये बात कही उद्धव ठाकरे ने। इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कई दल जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वाम दल कांग्रेस पार्टी, इसी के साथ ममता बनर्जी बीजेपी, और अब यहां पर शिवसेना का साथ ममता बनर्जी को, कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच यहां पर आप बता दें कि ये बात छुपी नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच जो तल्खियां लगातार देखने को मिल रही हैं, इस बीच यहां पर कटाक्ष लगातार किए जा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है, और बीते दिनों भी उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर निशाना भी साधा था, लेकिन इस बीच यहां पर ममता बनर्जी को रियल टाइगर बताया, बंगाल का रियल टाइगर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, यहां पर भले ही शिवसेना बंगाल में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन समर्थन पूरा पूरा इस बात से जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की तारीफ करना, बंगाल की शेरनी बताना, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? अब देखिए, बिल्कुल, कभी एनडीए के पाले में रही बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना, अब विपक्षी पाले में है और महाराष्ट्र में उसकी अखाड़ी सरकार कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिलकर चल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो चौंकाने वाला फैसला ये, क्योंकि एक तरफ अगर देखें लेफ्ट पार्टी और जो कांग्रेस वहाँ पर गठबंधन करके चुनाव मैदान में है, और कांग्रेस अघाड़ी सरकार को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का सपोर्ट न करते हुए शिवसेना ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है, और ये मुकाबला सीधी विरुद्ध ऑल करार दिया है, यानी ममता अकेली चुनाव लड़ रही है, बाकी तरफ सब लोग हैं, ये शिवसेना ने अपने बयान में कहा है। संजय राउत ने आज बयान जारी किया है, जो कि चीफ स्पोक पर्सन है, राज्यसभा सांसद है शिवसेना के, और उनकी ओर से इस बयान के साथ ही ये तस्वीर शिवसेना ने साफ की है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी के साथ ममता बनर्जी का भरपूर समर्थन किया गया है, उनकी तारीफ की गई है इस बयान में, साथ ही उनको रियल बंगाल टाइगर यानी शेरनी करार दिया है बंगाल का, और इसको लेकर शिवसेना ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। तो लड़ाई बीजेपी बनाम ममता के बीच होनी है, ये शिवसेना ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की है बंगाल की राजनीति को लेकर, और इसी के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है कि अगर बीजेपी को वहाँ चुनाव मुकाबले में मात मिलती है तो वो ममता से मिलेगी, न कि लेफ्ट पार्टी के या कांग्रेस के गठजोड़ से। तो एक बड़ा राजनीतिक इशारा शिवसेना की ओर से दिखाई देता है। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।